हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे केक बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको ये मिक्सी लेनी है, इसके अंदर और ये बिस्किट डाल देना है। अभी हम इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो अभी इसे थोड़ा सा और ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसमें लम्स हैं। अभी इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा। अभी वो कर दी, तो अभी हम इसमें और थोड़ा मिल्क डालेंगे और इसे बीच में से ऐसे मिक्स कर और फिर ऐसे कर देंगे। मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह मिक्स कर देना है इसे बैटर को, और जितनी मैं दिखा रहा हूँ उतनी आपको भी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी भी, वरना केक स्मूथ नहीं बनेगा। तो अच्छी तरह इसे मिक्स कर देते हैं। तो गाइस, आपको अभी ओवन ऑन कर देना है और इसे कन्वेंशन मोड पे डालना है और इसे स्टार्ट कर देना है। और गाइस, अभी आपको 180 डिग्री चाहिए इसके लिए टेम्परेचर। तो गाइस, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, अगर जिस भी आपको कंटेनर में बनाना है उसमें आप अच्छी तरह ऑयल या फिर बटर मिक्स कर उसे चारों तरफ से ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह। और गाइस, आपको नीचे ज़्यादा लगाना है। तो गाइस, अभी आपको ये चाहिए बेकिंग पाउडर, ये वाला। तो गाइस, आप कोई भी ले सकते हैं। और गाइस, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसकी बैक की अभी बैक साइड से मैं अच्छी तरह से डाल दूँगा। अभी इस बैटर में देखो ऐसे बबल्स आ चुके हैं, हमें इसे ऐसे अभी अच्छी तरह से ऐसे ऊपर से डाल देना है। और दोस्तों, इसका ध्यान रखना कि साइड में ना लगे। तो गाइस, हमने इस कपकेक के टिम्स को ऐसे रख लिया है अंदर ऐसे तरीके से। गाइस, अभी इसे बंद कर देते हैं ओवन को। तो गाइस, अभी ये हो रहे हैं बेक अंदर। तो गाइस, अभी हमने इसे 2 मिनट्स के लिए डाला, वैसे तो 5 मिनट्स का टाइमर सेट किया था, लेकिन जब लाइट चली गई तो इसे हमने निकाल लिया देखने के लिए कि स्पंजी ये ठीक बन गई या फिर नहीं। तो गाइस, अगर ये ठीक बने हैं या फिर नहीं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये चाकू इसमें डालकर और फिर बाहर निकालो। तो गाइस, अगर इसमें ऐसे कहीं भी आपको साथ में मतलब जो केक है उसमें कहीं भी आपको दिखता है, तो गाइस अभी मतलब फिर आपके अच्छी तरह पके नहीं है, कच्चा है केक। तो गाइस, अभी मैं आपको एक ऑप्शनल स्टेप बताऊंगा। तो गाइस, ये जो मेरे पास है हर्शीज सिरप, तो गाइस आपके आप कोई भी ले सकते हो अगर है तो। गाइस, ये आप ऑप्शनल स्टेप है, इसे ऐसे लेकर आप इसे स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह। अभी इसे मैंने पहले से ही कर दिया। तो गाइस, अभी ये केक पूरी तरीके से रेडी हो चुका है खाने के लिए।